सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू द चैनल। तो यार कैसे आप सब, होप यू गाइस ऑल आर फाइन। मॉर्निंग के बज रहे हैं 6 और हमारी लॉन्ग राइड स्टार्ट हो चुकी है। अभी आप ये होल्डर देख रहे होंगे फोन का, क्योंकि मेरे पास अभी इस टाइम पे गोप्रो नहीं है। और पुनीत भाई आ चुके हैं वहाँ पे। अभी हम फटाफट से निकल रहे हैं नैनीताल के लिए, और ये मेरी पहली राइड होने वाली है नैनीताल साइड, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो जल्दी से मिलते हैं पुनीत भाई से, बाकी बातें बाद में करते हैं आपसे। फाइनली यार पुनीत भाई भी आ चुके हैं देहरादून से। तो अभी हम रुके थे चंडीगढ़ पुल पे, जो रास्ता है नैनीताल का वो चंडीगढ़ से फिर नजियाबाद, फिर नजियाबाद से होते हुए घूमते फिरते पहुंचता है नैनीताल। अभी हम खड़े थे प्यारे से व्यू में। यार हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते सनराइज़ का, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाएगी हमें, हमें पहुँचना भी है नैनीताल टाइम से, और घूमना फिरना भी है, काफ़ी मस्ती भी करनी है, वो तो आपको ब्लॉग में दिख जाएगा। पुनीत भाई आ गए हैं, फिर निकलते हैं हम दोनों एक्सपल्स के साथ, तो चलते हैं फटाफट से। बाकी व्यू आप चेक करते रहिए आगे के। यार अभी हम हैं बिजनौर से आगे, और काफ़ी यार यहाँ पे फॉग लगा हुआ है, सनराइज़ हो रहा है काफ़ी सही, फ़ोटो लेने का मन हो गया तो इसलिए हम रुक गए। तो दोनों बाइक्स ये हैं, क्या ज़बरदस्त लग रही है यार, और दोनों एग्जॉस्ट के साथ। लोकेशन चेक करो यार। अभी हम पहुँचे बिजनौर, बस अभी निकल रहे हैं अपने रूट के लिए। अभी पुनीत भाई गए हैं आगे एक दो फ़ोटोज लेने, काफ़ी सही व्यू है, एक दो फ़ोटोज़ मैं भी लेता हूँ। बाकी आपको इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा होगा कोने में, द UKG ब्लॉगर्स जाके चेक करो। अभी यार हम नैनीताल बॉर्डर पे पहुंचे हैं, मतलब दोबारा से हमने उत्तराखंड पे एंटर कर लिया है। जस्ट यहाँ से अभी जो नैनीताल है वो 40 किलोमीटर दूर है। अभी हम फोटो शूट करवा रहे थे, यहाँ पे भी हम विली मार रहे हैं, बताओ फोटोज ले रहे हैं जबरदस्त। और पुनीत भाई ने ली है नई राइडिंग जैकेट रेनॉक्स की, देख रहे हो एंगल, महंगी बात चीज और हीरो लग रहा है भाई। अभी हमने काफी जबरदस्त फोटो लिए, बाकी आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा होगा नीचे, जाके मुझे फॉलो कर लेना, और वहाँ पे अपडेट्स मिलती रहेंगी आपको जल्दी से जल्दी। अभी हम यहाँ पे नेटवर्क वगैरह थोड़े कम है, तो इसलिए हम पोस्ट वगैरह कुछ डाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जंगल का एरिया है। तो यहाँ पे अभी हमने फोटो शूट वगैरह कर लिया, अब हम निकल रहे हैं आगे नैनीताल के लिए, लगभग 40 किलोमीटर दूर, हम एक घंटे में कवर कर लेंगे, क्योंकि इतनी तेज भी नहीं चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, मस्त बातें बूते करके वीडियो शूट करते करते। और लोग मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे रिएक्शन मिल रहे हैं, बच्चों के तो बहुत ही अच्छे रिएक्शन मिल रहे हैं। वो एक तो हेलमेट देख के भयंकर ऐसे देखते रहे पीछे, अरे भैया क्या जा रहा, तो मतलब मज़ा ही आ जाता है यार। तो बराबर से निकलते हैं। फाइनली यार अभी हम पहुँचे थे नैनीताल, हमें मिले हैं पुनीत भाई के फ्रेंड हितेश भाई, और उनका चैनल भी है हितेश जोशी नाम से। तो अभी हमें वही पूरा नैनीताल घुमा रहे हैं, मतलब पूरा क्या, जो जो बेस्ट बेस्ट पॉइंट्स हैं वहाँ लेके जाने वाले हैं। अभी हम आए हैं एक लेक पे, आपको दिखा देता हूँ, ये पूरी लेक है। अभी हम नीचे जा रहे हैं, इसका नाम भी बताता हूँ, अभी ये कौन सी लेक है, देख रहे हो एंकर क्या मस्त लग रही है लेक। और इस लेक का नाम है खुरपा ताल, या खुरपा लेक बोल लो, जो भी बोल लो, क्या सही लग रही है भाई, और व्यू ऊपर से ज़बरदस्त। यार अभी हम खड़े थे लेक के पास, और भाई ने हमें एक सरप्राइज दिया है। मैंने बाइक से आइडिया लगाया, भाई मैगी लेके आ रखे, वो भी जो कप नूडल्स होते हैं हॉट वाटर डाल के जो बनता है। पुनीत भाई के चेहरे पे काफी सही हंसी है, क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है बस, और खाना देख के तो मतलब अलग ही खुशी नजर आती है। थैंक यू हितेश भाई, भाई का चैनल वगैरह चेक कर लेना, नीचे लिंक विंक आ जाएगा, ठीक है ना। पुनीत भाई चमक रहे हो यार नई जैकेट में, भाई कह रहा कल तक रुक गंदी हो जाएगी, हो रही है देखो गंदी, हाँ होती है भाई। अरे वो गंदी, और क्या नज़ारा यार, और कोई भी टूरिस्ट नहीं है, मतलब ये बहुत कम लोग आते हैं इस जगह पे। हमें भाई घुमा रहा है यहाँ पे, क्योंकि भाई लोकल है यहीं का। तो अभी मैगी इंजॉय करते हैं, फिर थोड़े आपको सिनेमैटिक शॉट्स दिखाते हैं उसके बाद। अभी यार मैगी खा के तो मज़ा ही आ गया, अलग ही आनंद आ गया, थकान थी वो सारी मिट गई। पर अभी हमें खुरपा ताल पे, अभी इसके बाद जो हम लोकेशन पे जा रहे हैं वो है नैना पीक, वहाँ पे लगभग 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक है, देखते हैं हम कर पाते हैं नहीं।
क्योंकि सुबह से ड्राइव कर रहे हैं तो काफी थकान लग गई। और रोड ऐसी थी भयंकर की, गड्ढे 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 कहीं पे सही, और एक तो रोड ने पूरा ही घुमा रखा था। हम 15 किलोमीटर आगे चले गए फिर पीछे आए, रोड ही नहीं मिल रही थी हमें। पुनीत भाई और मैं घूमे जा रहे। तो यार अभी हम जिस झील पे थे, अब उस झील का यहाँ से नज़ारा देखना क्या तगड़ा होने वाला है, ज़बरदस्त। अभी दिखाता हूँ आपको, देख रहे हो भयंकर। अभी हम उसी लोकेशन पे थे जहाँ हमने मैगी वगैरह खाई थी। अभी अब हम लगभग यहाँ से 7-8 किलोमीटर आगे आए, तो यहाँ से है फुल व्यू उस ताल का। अगर पुनीत भाई लोकेशन अच्छी लगी तो मेरे वीडियो में कमेंट कर देना। यार काफ़ी भीड़ है यहाँ पे इस लोकेशन के लिए, सिर्फ इस लोकेशन के लिए। तो हम निकलते हैं अभी आगे की तरफ जहाँ पे हम जा रहे हैं। अभी बताते हैं अभी आगे हम कहाँ जा रहे हैं। अभी यार हम रूम पे आ गए। नैना पीक का जो प्रोग्राम है वो कैंसिल करा हमने अभी, क्योंकि वहाँ का ट्रैक जो है वो 4 से 5 किलोमीटर है और काफ़ी टफ ट्रैक है, इसीलिए हम सुबह से थके आ रहे थे तो इसलिए हम गए नहीं। अभी हमने रूम देखा है बढ़िया सा, द हिल एजेंसी, यही है ना नाम, यही होटल का नाम है। काफ़ी सही है, बार्गेनिंग करके हमें सस्ता पड़ गया। तो वैसे आज वीकेंड है तो महंगे ही होते हैं, पर जैसा भी हमें मिल गया। अभी हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं फिर हम निकलते हैं आपका झील की तरफ। आई होप कि यार आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको सेकेंड पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में मिलेंगे आपको झील में सीधा, और काफ़ी मज़ा आने वाला है। पहली बार मैं नैनीताल आया हूँ और भाई हमें घुमा रहा है, तो ये भी काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई के साथ भी, मतलब अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो भाई तो वैसे भी रात को ही घर चले जाएगा, फिर कल हमें दोबारा ज्वाइन करेंगे नैना पीक के लिए। तो छोड़ो यार बाकी बातें बाद में करते हैं, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।